Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. आज हम बात करेंगे 2009 की इटालियन रोमांटिक थ्रिलर फिल्म द डबल आर की, जिसके डायरेक्टर हैं गिसेप्पी कैपोतोंदी और जिसके लीड एक्टर्स हैं सेनिया रापापोर्ट और फिलिपो तीनी। द डबल आर एक बेहतरीन थ्रिलर है जो व्यूअर्स को कंफ्यूज रखती है और हम पूरी फिल्म की सच्चाई को गेस करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि आने वाला ट्विस्ट हम देख ही नहीं पाते। इस फिल्म के टाइटल की ही तरह फिल्म में भी हमें सच्चाई से गुमराह किया जाता है। नॉन लीनियर ट्रांजिशंस के साथ बिना कोई वक्त गवाए हमें सच्चाई से दूर किया जाता है और अंत में हमें समझ आता है कि हम ढूंढ कुछ और रहे थे पर हमें ढूंढना कुछ और चाहिए था। सोनिया एक स्लोवेनियन इमिग्रेंट है जो एक होटल में मेड का काम करती है। वो किसी रूम के बाथरूम को साफ कर रही है जब उसके रूम की गेस्ट खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। इस इंसिडेंट के बाद हम सीधा जाते हैं एक स्पीड डेटिंग सीन में जहां सोनिया लोगों से मिल तो रही है पर उसे कोई पसंद नहीं आ रहा। तभी उसकी टेबल पर गुइदो नाम का एक आदमी आता है जो एक पुलिसमैन हुआ करता था और उस स्पीड डेटिंग सीन का सबसे फेमस मेंबर है। वो हर बार किसी को अपने घर ले जाता है और अपना नंबर उन्हें देने से इनकार करता है। सोनिया और गुइदो के बीच दोस्ती होने लगती है और वो दोनों उस इवेंट के बाद वॉक पर जाते हैं। गुइदो तभी टाइम नोटिस करता है जो 23:23 दिखा रहा था, यानी कि डबल आर, जहां घंटे और मिनट सेम होते हैं। वो मानता है कि ऐसे टाइम पर जब कोई विश मांगता है तो वो विश पूरी होती है, पर जाते जाते वो सोनिया से कहता है कि ये हर बार काम नहीं करता। सोनिया और उसकी बेस्ट फ्रेंड मार्गरीटा दोनों होटल में काम कर रहे होते हैं जब उसे पता चलता है कि गुइदो ने उसका नंबर मांगा है और इस बात से सोनिया बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिनों बाद गुइदो सोनिया को लेकर एक विला में जाता है जहां वो सिक्योरिटी का काम करता है। उस विला का सिक्योरिटी सिस्टम काफी स्ट्रांग था पर गुइदो ने एक हिस्सा डिसेबल कर दिया था ताकि वो दोनों वॉक पर जा सके। तभी अचानक वहां उन पर एक आदमी हमला करता है। जब गुइदो की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वहां बहुत सारे चोर विला से चीजें चुराकर अपने ट्रक्स में रख रहे हैं और वो उससे सारा सिक्योरिटी सिस्टम बंद करवाते हैं। जब दूसरे चोर वहां से निकलते हैं तो उनका लीडर सोनिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी गुइदो उस पर हमला करता है और इस बीच गोली चलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोनिया अपने काम पर फिर से आ गई है और उसके सर पर एक चोट है। वो अपना काम तो कर रही है पर उसका ध्यान कहीं और है। जब वो ग्रेवयार्ड जाती है तो ये रिवील होता है कि गुइदो मर चुका है। उसे उस चोर ने मार दिया था जो सोनिया के साथ जबरदस्ती करने वाला था। ग्रेवयार्ड में पास खड़े एक प्रीस्ट को देखकर सोनिया अनकंफर्टेबल हो जाती है, जिसकी नजर सोनिया पर ही थी। सोनिया को बार बार गुइदो का चेहरा दिखने लगता है और ऐसा लगता है कि वो उसके आसपास ही है, जिसकी वजह से वो अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पाती और डिस्टर्ब रहने लगती है। गुइदो का चेहरा उसे ज्यादातर डबल आर पर दिखने लगा। डांटे एक पुलिस वाला जो गुइदो का दोस्त था, वो सोनिया से मिलने उसके घर आता है और उससे पूछताछ करता है। उसे शक है कि सोनिया उन चोरों से मिली हुई है जिन्होंने गुइदो को मारा था। वो उसे एक फोटो देता है जिसमें सोनिया और गुइदो अर्जेंटीना के शहर बुएनोस आयरेस में हैं, पर सोनिया गुइदो के साथ वहां कभी गई ही नहीं। धीरे धीरे सोनिया को गुइदो और ज्यादा दिखने लगता है और इस बात से वो बहुत ज्यादा डरने लगती है। वो जब अपने डॉक्टर से मिलने जाती है तो उसे बताया जाता है कि गोली उसके सर में लगी थी, जिसकी वजह से शॉक और ट्रॉमा हुआ है और इसलिए उसे हेल्यूसिनेशंस होने लगे हैं, जो कॉमन बात है। रही बात उस फोटो की तो मार्गरीटा कहती है कि ये एक फोटो मोंटाज हो सकता है। शायद गुइदो चाहता था कि वो दोनों इस जगह पर जाए और ये फोटो एडिट करके वो उसे ये बताना चाहता था। ब्रूनो नाम का एक गेस्ट सोनिया पर नजर रखता था जिससे सोनिया दूर भागती थी। उसे परेशान देखकर वो उसके करीब आने की कोशिश करता है पर सोनिया वहां से निकल जाती है। डांटे अब भी सोनिया पर शक कर रहा है, जो कहती है कि उन्होंने उसे भी गोली मारी थी। इस बात पर डांटे कहता है कि गोली उन्होंने सिर्फ गुइदो को मारी थी और वो गलती से उसके सर पर लगी।
उस रात सोनिया को गुइदो फिर दिखाई देता है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा डर जाती है और मार्गरीटा के घर आकर सो जाती है। अगले दिन मार्गरीटा उसे बिना बताए कहीं चली जाती है। ये सोचकर कि वो काम पर गई होगी, सोनिया वहां से निकलती है। उसे बार बार वो प्रीस्ट दिखता है जो सोनिया की तरफ ऐसे देखता है जैसे कि वो उसे जानता हो। जब सोनिया होटल पहुंचती है तो उसे वो गाड़ी दिखती है जिसे लेकर चोर उस विला में आए थे जहां गुइदो को मारा गया था। वो उस ट्रक का पीछा करती है और जब वो उस ट्रक के पास पहुंचती है तब ये रिवील होता है कि सोनिया सचमुच उन चोरों से मिली हुई थी। जिस आदमी ने गुइदो को मारा था वो असल में सोनिया का बॉयफ्रेंड था। उस रात सोनिया मार्गरीटा के साथ एक पार्टी में जाती है और वापस आकर अपने ही घर में सो जाती है। रात को डबल आर होते ही उसे फिर से गुइदो के पास होने का एहसास होता है। सोनिया को गुइदो से प्यार होने लगा था और उसे गिल्ट है कि उसकी वजह से गुइदो मारा गया। अगले कुछ दिनों तक मार्गरीटा होटल में नहीं आती, जिसकी वजह से होटल का मैनेजर सोनिया को कहता है कि वो मार्गरीटा से बात करे। वहीं दूसरी ओर डांटे सोनिया से मिलने आता है और उसे बताता है कि उसकी बात सोनिया के पिता से हुई है, जिन्होंने बताया कि सोनिया कई सालों पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से गहने और पैसे चुराकर भागी थी और उस दिन के बाद वो उनके लिए मर गई है। डांटे के उस पर शक करने से सोनिया वैसे ही डिस्टर्ब थी कि तभी एक दिन उसे पता चलता है कि मार्गरीटा की मौत हो चुकी है। उसने खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी है। उसके फ्यूनरल पर सोनिया को फिर से वही प्रीस्ट दिखाई देता है जो मार्गरीटा की जगह ये कहता है कि वो फ्यूनरल सोनिया का है। इस बात से परेशान होकर सोनिया चिल्लाने लगती है और ब्रूनो उसे वहां से ले जाता है। वो उसे अपनी कार में लेकर जाता है और एक बोतल देता है जिसमें कॉफी और थोड़ी सी शराब है। सोनिया उसे पीकर बेहोश होने लगती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि ब्रूनो उसे घसीट कर ले जा रहा है और जमीन में गाड़ने वाला है। तभी वहां गुइदो आकर उसे बचा लेता है। यहाँ ये रिवील होता है कि विला में हुए हादसे के बाद से लेकर अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ सोनिया के दिमाग में था। वो गोली गुइदो को कभी लगी ही नहीं, वो सीधा सोनिया के सर में लगी थी। उस हादसे को हुए सिर्फ 3 दिन हुए थे और 3 दिन से सोनिया कोमा में थी। जब भी उसे गुइदो के पास होने का एहसास होता था तब असल में गुइदो सच में उसके पास ही था। गुइदो हॉस्पिटल में पूरे समय उसके साथ ही था और उसका ख्याल रख रहा था, और गुइदो की ही तरह मार्गरीटा भी जिंदा थी। जब सोनिया अपने घर फोन करती है तब हमें ये पता चलता है कि वो प्रीस्ट जो सोनिया को तब दिखता था जब वो कोमा में थी वो सोनिया के पिता थे। वो सब कुछ जो सोनिया को दिख रहा था और वो सारे लोग जो उसे दिखाई दे रहे थे, वो सारे लोग हर वक्त उसके दिमाग में रहते थे। उसने एक कहानी बना ली थी जहां उसके पापों का गिल्ट और उसकी इच्छाएं उसे दिखाई दे रही थी। गुइदो को डांटे सोनिया के अतीत के बारे में बताता है, पर वो मानने को तैयार नहीं कि सोनिया उसके साथ ऐसा कुछ कर सकती है। वो स्पीड डेटिंग ऑर्गेनाइजर के पास जाता है ये कहने के लिए कि उसे अब वहां आने की जरूरत नहीं, उसे सोनिया में अपना प्यार मिल गया है। पर तभी वो उसे बताती है कि सोनिया हमेशा से गुइदो से ही मिलना चाहती थी, वो सिर्फ उससे बात करना चाहती थी। और ये जानने के बाद गुइदो को यकीन हो जाता है कि डांटे जो कुछ भी कह रहा था सच कह रहा था। उस रात वो सोनिया के साथ उसके घर जाता है और वहां रात बिताता है। अगली सुबह सोनिया उससे कहती है कि वो मार्गरीटा से मिलने जा रही है, पर गुइदो जानता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के पास जा रही है और जैसा कि डांटे ने कहा वो वहां से भागने वाली है। वो उसका पीछा करता है और सोनिया को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देख लेता है। उनकी बातें सुनने के बाद उसे पता चलता है कि उन चोरों का प्लान गुइदो को मारने का था, पर वो बच गया। अंत में जाते जाते सोनिया गुइदो को देख लेती है और गुइदो सोनिया को। वो पुलिस को फोन करने ही वाला था पर अपने आप को रोक लेता है। सोनिया उस फ्लाइट में नकली आइडेंटिटी के साथ जाती है और जाते जाते वो देखती है कि उसका बोर्डिंग टाइम 2020 है। ये डबल आर देखकर वो कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाती है। गुइदो इसके बाद फिर से स्पीड डेटिंग इवेंट में जाने लगता है।
और सोनिया और उसका बॉयफ्रेंड उस जगह पर जाते हैं जो उस फोटो में दिखी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।